सारी बातों को रखा, मुख्यमंत्री को लगा कि नहीं ये बात सही है, तो उन्होंने तत्काल कमिटी गठन कर करके तेजस्वी यादव के गाल पर करारा तमाचा जड़ा है, जिसकी आवाज लोकसभा तक उनको आती रहेगी। और नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुलाकात हुई है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं, नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। मामला तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं तमिलनाडु में बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सामने आ रही हैं, पीटने की सामने आ रही बात सामने आ रही, हत्याओं की बात भी सामने आ रही है, उसकी खबर भी सामने आ रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दिशा में पहल की है और इसको लेकर टीम बनाई है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा, उन्होंने ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी और नीतीश कुमार ने सराहनीय पहल की है, भारतीय जनता पार्टी की बात मानी है, तेजस्वी यादव की बात नहीं मानी, वो जिस तरह से तमिलनाडु को लेकर बयान दे रहे थे, और नीतीश कुमार बधाई के पात्र हैं। सुनिए बीजेपी क्या कह रही है। बिहार के और बिहारियों की पिटाई हो रही है, मजदूरों के साथ वहां मारपीट हुआ है, हत्याएं हुई है और उसको गलत बता रहे हैं, उसको अफवाह बता रहे हैं, तो इससे शर्मनाक बयान क्या होगी कि बिहारी पीटे जाए और यहाँ के मुख्यमंत्री उसको अफवाह बतावे। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जब सदन में इस बात को उठाया तो उस पर उल्टी बातें करने लगे। तो आदरणीय विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से शिष्टमंडल मिला और सारी बातों को रखा। मुख्यमंत्री को लगा कि नहीं ये बात सही है, तो उन्होंने तत्काल कमिटी गठन कर करके तेजस्वी यादव के गाल पर करारा तमाचा जड़ा है, जिसकी आवाज लोकसभा तक उनको आती रहेगी। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं, उन्होंने तत्काल कमिटी बनाकर वहां भेजने का काम किया है और जाकर के वहां लोग मिलेंगे, देखें क्या घटना हुई है, कैसे इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि वहां का प्रशासन लगातार झूठ बोल रहा है और गलत रूप से बयानबाजी कर रहा है, जबकि लगातार समाचार पत्रों और चैनल पर लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सब जगह के लोगों के साथ, हिंदी भाषी बेल्ट के लोगों के साथ मारपीट की जा रही है कि हिंदी मत बोलो, तो ये गलत क्या कोई बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात मानी, तेजस्वी यादव की बात नहीं सुनी और पहल की तमिलनाडु को लेकर, और आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, तो बधाई के पात्र हैं कि सारी स्थिति को समझा मुख्यमंत्री जी ने, और अब विवेकी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बात को नहीं लिया, वो जानते हैं कि इसी तरह की बात करते हैं। मुख्यमंत्री को जो आदमी ढाई घंटे किसान सम्मेलन में बैठा दे, प्रतीक्षा करा दे, उसकी महत्वाकांक्षा आप समझ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जान रहे हैं कि जानबूझ के जलील और बेइज्जत करवाना चाहते हैं राजद के लोग, क्या भद पिटती मुख्यमंत्री की, अगर कमिटी नहीं भेजते तो लोग क्या कहता कि बिहार के मुख्यमंत्री जानबूझ कर पिटवा रहे हैं और हमारे जो लोग पीटे जा रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब तो बहुत अच्छी बात ना हुई कि लोग वहां जाएंगे स्थानीय स्तर पर, वहां यहाँ के अफसर लोगों से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे और सच्चाई को जान करके कार्रवाई के आग्रह करेंगे राज्य सरकार से।